अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली जी, आज फिर हम लोग इधर आए हुए थे। आज सैटरडे है और आप देख सकते हैं कि ये चोरों की मंडली जो है ना, ये सारी अंदर छुप के बैठी हुई है एवन फील्ड में, क्योंकि ऑफिस इनका आज जो है वो क्लोज़ है। वहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, सब भी अंदर छुपे हुए हैं। डिलीवरीज आ रही हैं और कुछ बिल्डिंग वर्क यहाँ पर इनका हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये इनकी, क्योंकि हमें आते आते थोड़ी देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। और ये आप देखें जी, ये देखें बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं बिल्कुल जी। ये लिविंग फील्ड के सामने, और ये पहले नहीं थे, जब लास्ट वीक हम आए थे यहाँ पर कुछ नहीं था। ये स्पेशली जी इन चोरों के लिए जो सारे भाग के वापस आए हैं, ये तैयारी की गई है कि ये देखें जी, खूबसूरती के लिए ये सारा इन्होंने किया है ताकि इनको जो व्यू है वो इनको अच्छा मिल सके, दैट्स वाई। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें जी, अच्छा वो जी खड़े हैं, इनके चोरों के जो करिंदे हैं वो सामने आप देख सकते हैं, वो हमें देख के जी रुक गए हैं। और ये देख लें जी आप, यहाँ पर सारा दिन जो है ना वो आज गहमा गहमी उनकी लगी हुई है, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, क्योंकि ये सब इधर ही थे, दैट्स व्हाई। इस वक्त ये सारे अंदर हैं, नुआशी मर गया। ये आप देख सकते हैं, अभी भी फैमिलीज, शाम को भी यहाँ पर फैमिलीज हैं, आ रहे हैं लोग। हाँ, वो सारे जिस वक्त बेटे वो छुप के बैठा हुआ है, वो चोर है, वो चोर होता है ना, वो चोर जो होता है ना बेटे, वो हाइड हो जाता है, ओके, वो बाहर नहीं आता है। कैसे कहते हो आप, बोलो कैसे बोलते हो आप, नवाज शरीफ चोर है, सी अगेन, नवाज शरीफ चोर है, ऊंचा बोलो ना, चोर है। ये जी आप देख सकते हैं फैमिली, बेटे नवाज शरीफ घर बना चुका है, मजीद बनाने के चक्करों में है, हमारे हमारे घर, हमारे हमारे पैसों का ये घर है, ये हमारे घर है। ये आप देखें जी, बच्चे हमारे बुजुर्ग, हमारे आने वाला जो मुस्तकबिल है, ये सब बच्चे, हर बंदे को पता है कि ये जी चोर हाउस है। और ये आपके सामने है, ये लोग हमारे मुल्क का पैसा खा के, और अभी तक खा रहे हैं, अभी भी इनका पेट नहीं भरा, ये अभी भी बैठे हुए हैं खाने के लिए, ये कहते हैं हमें मौका मिले, और हर वक्त ये यही काम में ये सोचते हैं कि कैसे अब और पैसा निकाला जाए। ये आप देखें जी, और आवाम हमारी इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है। और मेरी तो आवाम से अपील है कि जो जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बाहर निकलो,
अपने हक का जो है वो यूज़ करो, सब इकट्ठे होके बाहर निकलो, और ताकि हमें ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये नामंजूर है, और ये वी कांट बिलीव के हम लोग कैसे इनको यहाँ पर भी बर्दाश्त करते हैं, हमारा बस चले तो नहीं यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दें। बस अपनी मिसाल ये देखें जी, अभी एक डॉक्टर भी अंदर गया था इनका प्राइवेट, क्योंकि वो डे टाइम में ना लोग थे यहाँ पर, घर नहीं है तो अंदर ही छुपे हुए हैं, सब अंदर ही हैं। ऑफिस में ना ऑफिस चले, हाँ ऑफिस भी जाके देख लेते हैं एक बार फिर दोबारा, शायद वहाँ पर आपको चोरों का दीदार करवा दें। ये स्पेशली जी आप जो मैं आपको फिर दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये मरियम नवाज़ के आने के लिए जब वो आई है लास्ट वीक, यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये स्पेशली उन्होंने ये तैयारी की है, और ये खूबसूरती ताकि उनको जो व्यू है यहाँ पर वो अच्छा मिल सके। तो ये सारा बिल्कुल आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसके सामने ये उन्होंने किया है, और ये सारा जो है ना हमारी मुल्क का पैसा है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और ये एक बिल्डिंग अगर नवाज शरीफ इस बिल्डिंग के पैसे सिर्फ ला दें ना हमारे मुल्क को, तो हमारे मुल्क के लिए आसानी हो जाए, हमारे पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाए। ये देखेंगे ये देखेंगे बस इस चोर नु देखन आए हैं कि इन्हें इतना साडा पैसा लुट के ते ए सारा कुछ बना छड्या, साडियां आवाम इतनी गुरबत ते लकीर दू थल्ले है कि किस ने आज पता लगा के कि सारा पैसा ते इत्थे है। हां ये तुसी इन्हां दा चोर ऑफिस देखो, तुसी को भी हैरान होयोगे, उत्थे भी चले। मैं कहंदा यूरोप दा सब तो महंगा शहर लंदन है, प्रॉपर्टी दे लिहाज लंदन दी सब तो महंगी स्ट्रीट ए पार्क लेन है, जिस ते गूगल भी गंजा चोर है, अपना फर्ज किसी ना किसी तरीके सरगरू होना अल्लाह दे अगे, आए अपना थोड़ा जा फर्ज अदा किया, कर नहीं सकते बड़े बड़े चोर हैं ना, सारी साड़ी यार भी चोर है जिन्हें लेके इन्हें आई है पहले और फिर ले आ रहे ने, फिर ले आ रहे ने, नहीं जा मेरा नहीं आएगा, वो किथे जाऊं। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें जी, ये अंदर बैठा कौन हुआ है ये आपको मैं दिखा दूं। हाँ जी ये आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज जाके शायद आपको ना, ये जो डॉक्टर साहब जो कहते थे ना कि नवाज शरीफ बच नहीं सकता, इसकी जी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, ये जी बैठा हुआ है कहता था ये बच नहीं सकता और इसका जो है वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर बैठे हुए हैं, ना उसको कुछ हुआ है ना इसको कुछ हुआ है। हाँ जी ये सारे ये जी वो लोग हैं, ये देखें जी अंदर बैठे हुए हैं, बर्गर पिज़्ज़े खा रहे हैं। हाँ जी ये जी आई हैं उनकी कोई, आप देख सकते हैं वीआईपी गाड़ियों में आते हैं, ये डॉक्टर साहब छुप के बैठे हुए अंदर, अभी गए हैं अंदर उनके। डॉक्टर साहब अंदर है जो कि कहते थे नवाज शरीफ जो है ना मर जाएगा, इसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, ये बैठा हुआ है छुप के अंदर बैठा हुआ है।